मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। नादिया बस, कह दिया ना, मेरी अम्मी के खिलाफ कुछ मत बोलना। ऐसा ना हो कि मैं तुम। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके हट के प्यार करने वाले मौजूद हैं। मेरी तरह दवाने मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। नादो, क्या हुआ है? क्यों परेशान हो बेटा, क्यों रो रही हो? अम्मी, हमें आज अब बहुत याद आ रही, उन्होंने तो हमारी कोई खुशी ही नहीं देखी। अल्लाह की मर्जी बेटा, आज हम सब अपने पैरों पर खड़े हो गए, हम सब खुश हैं कि अब्बू यहाँ नहीं। उनकी रूह बहुत खुश होगी बेटा, वहां पर सुकून मिल गया होगा, क्योंकि सारी औलाद कितनी काबिल निकली है। काश अब्बू आज यहाँ होते। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें उनकी बहुत जरूरत है मुझे। क्या करें, अल्लाह की रजा में तो राजी होना पड़ता है ना बेटा। तुम परेशान नहीं हो, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्यों रो रही है। चलो जाओ, जाके मुंह हाथ धो, परेशान नहीं होते। हाँ अरे चाय। खैरियत, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं भाभी, बस थक गया हूँ। मम्मी कहाँ हैं? वो नादिया आंटी के घर गए हैं, आज रानी का रिजल्ट आया ना, उसको मुबारकबाद देने। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी थक गए? क्या मतलब? अभी तो ऑफिस से आए हो और आते साथ ही थक गए। चल एक काम करो, हाथ और मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं भाभी, वो अम्मी को आने दे, उनके साथ ही पी लूंगा। चलो ठीक है। बात की तुमने अपनी मां से? यही अच्छा मौका है, बात को बढ़ाती हूँ ताकि नईम अपने कानों से अपनी माँ की बात खुद सुने। जी, अम्मी ने कहा है आप जो कुछ मांग रही हैं वो सब आपको मिलेगा। मेरे सारे बहन भाइयों के जोड़े, महमूद की घड़ी, और हाँ अपनी माँ को याद दिला देना मेरे सोने के दो मोटे मोटे कंगन, और सारे खानदान सारे लोगों के सामने पहनाए कि सब हैरान रहे।
जी, आप जो कुछ मांग रही हैं, जिस तरह आप चाहती हैं, वैसा ही होगा। अच्छा, आओ जरा मेरे साथ बाहर, देखो कि ये इसने सीमा ने क्या पकाया है। इधर आओ। जी। जरा ये ना कोई अच्छी करके डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लिया करो, हाँ, नईम के आने से पहले पहले कोई खुशबू लगा लिया करो, शौहर खुश हो जाता है। जी। मैंने नीचे सब सुन लिया, मुझे माफ कर, माफ कर मुझे। चाय है भाई। अच्छा, ये नईम नहीं आया अभी तक? अब वो आ रहे हैं। अरे आओ नईम, ये बताओ तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? भाई सारे काम आज ही हो जाएं, कल तक कोई काम ना रहे। अरे भाई, लड़कियों का मामला है, लड़कियां जाने, आपको क्या परेशानी? अरे भाई मैं नहीं बोलता भाई, मेरे जिम्मे जो काम थे वो मैंने पूरे कर दिए। अब रहा नईम के काम का, वो क्या हुआ भाई? ये तकरीब की तैयारी कहां तक पहुंची? कोई तकरीब नहीं हो रही है? क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे नहीं करना वाली मां। मगर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता। वलीमा नहीं होगा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सारे लोगों को दावत नामे जा चुके हैं और तुम आज खड़े हो गए, हुक्म सादिर कर रहे हो कि वलीमा नहीं होगा, कोई वजह तो बताओ ना। जरूरी नहीं कि हर बात आपको बताई जाए, बस मैंने कह दिया ना तो कह दिया। अरे सुन लिया आपने इसका जवाब? हाँ मैंने सुन लिया, अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं उससे खुद बात करूंगा। मेरी तो इन लोगों की नजर में कोई अहमियत ही नहीं, जाएं और जाके पूछें कि क्या जवाब दूंगी मैं अपने खानदान वालों को। न जाने क्या बात हो गई कि इसने ये फैसला अचानक कर लिया। मुझे क्या पता क्या बात थी, लेकिन बताए देगी, जाके इसे समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। एक हम ही बेवकूफ है कि सबकी खुशियों का ख्याल रखे, इनको हमारी इज्जत की जरा परवाह नहीं है। आए, आके हुक्म सुनाया और चलते बने। नहीं, आपने अम्मी को क्यों मना किया? अब वो समझेंगी मैंने आपसे कहा है, अब मुझसे पूछेंगी वो। तुम खामोश रहना, तुमसे अब कोई कुछ नहीं पूछेगा। ना दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हें झूठा कहा, झूठा समझा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी अम्मी। बस करें, नहीं मैं जानती हूँ आप उनके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते थे। तो मैंने आपसे कहा था ना, आपकी माँ है, कि मेरे लिए तो वो सास है ना। हाँ तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, और अगर हो सके तो ये बात किसी और को मत बताना, मेरी इज्जत का सवाल है। क्यों, आपकी और मेरी इज्जत अलग अलग है क्या? किसी से नहीं कहूंगी, अपनी अम्मी से भी नहीं।
सीमा तुम्हें पता है कुछ कोई बात हुई है? कैसी बात? भाई इन दोनों मियां बीवी की नईम और नादिया की कोई लड़ाई हुई है क्या? नादिया ने उसे मना किया। मम्मी वो क्यों मना करने लगेगी, वो तो बहुत खुश थी। बल्कि तो फिर बैठे बिठाए क्या हुआ नईम को? खर्चे का भी कोई मसला नहीं था, सलीम ने खर्चा भेजा है सब। तो फिर मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। कहीं नादिया के घर वालों के मना करने पे तो नहीं किया ये नईम ने? अम्मी वो लोग ऐसा क्यों कहेंगे, उनका पूरा खानदान है, उनकी अपनी इज्जत भी तो है इसमें। ये बात नहीं है, ये वैसे तो उन्हें बेटी को कुछ ना कुछ जहेज के नाम पे देना पड़ता, इस तरह तो ऐसे ही छूट गए। ऐसा नहीं है, मुझे तो बल्कि नादो ने खुद बताया था कि काफी कीमती कपड़े बनाए उसकी अम्मी ने। भाई दो चार जोड़ों से क्या होता है, इंसान सारी उम्र ही नए जोड़े बनाता है, फाड़ता है, पहनता है। ये बताओ कोई सोना वोना भी देने की बात की उन्होंने या नहीं? मैंने इतनी तफसील से तो नहीं पूछा। भाई लड़के का दिमाग ही खराब करके रख दिया। आप नईम से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? अरे क्या पूछूं, पैर पटकता वहां अंदर चला गया, कुछ सुनता तो बात करती ना। कोई बात तो जरूर है, खैर पता लगा लूंगी मैं भी। हर कोई सीमा नहीं। क्या बकवास है? हम्म, क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने नईम को? बोलो क्या पूछ रही हो? सांप क्यों सूंघे? जी मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। तुमने नहीं कहा तो तुम्हारी माँ ने जरूर कहा होगा, क्या मैं जानती नहीं हूँ तुम माँ बेटी को? प्लीज आप अम्मी को तो कुछ ना कहें, उन्होंने बिचारी ने तो। नादिया। अरे बेटा इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, आखिर हुआ क्या है, क्यों तुमने अचानक हंसते बोलते घर के माहौल को खराब कर दिया? बोलो क्या बात? कुछ नहीं नादिया, चलो। बेटा कहाँ जा रहे हो? आंटी की तरफ। आंटी की तरफ जाओ, जो दिल चाहे करो, ना करो वलीमा, जिंदगी अजीरन ना कर दी ना, सुख की एक सांस को तरसा ना दिया तो मेरा नाम भी खालदा नहीं। अरे बेटा मुना तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश करती फिर रही। नैने कहाँ जाना है, यही तो पड़ी रहती हूँ। वो बेटा कुछ कहना चाह रही? हाँ वो बेटा मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, अगर तुम मान लो तो। जी बेटा तुम अपने पापा को नहीं देखती हो, वो तुम्हारी वजह से कितने परेशान रहते हैं, अंदर ही अंदर खत्म होते जा रहे हैं। बेटा तुमने अपने पापा के लिए जीना है, और तुम जानती हो ना तुम उनकी जान हो। बेटा मैं क्या करूं बूजी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तो लोगों का सामना करते हुए डरने लगी हूँ। डर? डर किस बात का बेटा? हाँ तुम्हें अपने पापा के लिए जीना है, और लोगों से तुम्हें क्या लेना देना, ये तुम पर मुनसिर है कि तुम दुनिया को किस नजर से देखती हो। अगर तुम उसमें बुराई तलाश करोगी ना तो उसमें बहुत बुराइयां नजर आएंगी, और अगर अच्छाई तलाश करोगी तो बहुत अच्छाई है, और अच्छाई का ताल्लुक खुशी से होता है, और खुशी का दिल से। बस
तुम्हें अपने दिल को मुतमईन करने की जरूरत है। और वैसे भी तुम्हारा क्या बिगड़ा है, लोगों की तो दुनिया उजड़ जाती है, मगर वो अपनी सारी खामियों को भूलकर अपनी दुनिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी की सारी कमियों को भूलकर आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ती जाओ। हाँ चलो, मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके चलती हूँ। सुनो, जाने को तैयार खड़े हो, उससे बात की है? अरे भाई क्या बात करूं, वो उसने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया और हम मुंह पे उंगली रख के चुप करके बैठ गए उसका फैसला सुनने। बड़ा लाट साहब हो गया ना वो। एक तो तुम शुरू हो जाती हो तो चुप नहीं होती, दूसरों की बात सुना करो। तो किसी दूसरे की बात कोई ढंग की हो तो सुनो ना। हाँ, तुक की बात यानी तुम्हारे मतलब की बात। बहरहाल मैंने उससे पूछा था, उसने मना कर दिया। इनकार कर दिया, वजह बताई इनकार की। अरे बताओ ना क्या कहा उसने। कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा है वो। अल्लाह जाने कहां से ये मुसीबत हमारे मत्थे लग गई है। मैं चार दिन के लिए घर से क्या गई, हमारा घर ही बर्बाद करके रख दिया। कालदा तुम्हें फिर दौरा पड़ने लगा है, ख्याल करो। बताई दे रही हूँ मैं, उससे बात किए बगैर नहीं जाना है तुमने। लेकिन अम्मी, नईम तो ऑफिस जा चुका है। इतनी जल्दी? बेगम साहिबा कहाँ है उनकी, सो रही होंगी पड़ी हुई। नहीं अम्मी, वो नातों को साथ लेकर गए हैं, उसकी अम्मी के घर ड्रॉप करने। कह रहे थे कि वापस आते हुए लेता आऊंगा। रखो चाय और जाओ। तो मुझे देर हुई, मैं जा रहा हूँ। चाय तो पीते जाओ। के लिए और ये सीमा के लिए, ये नादो और नईम का, और ये सलीम भाई और महमूद भाई के लिए। अरे भाई, इतनी भी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? बिला वजह तुमने तकल्लुफ किया है, इस एहसान की जरूरत ही नहीं थी। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज भी है और हमारी खुशी भी है। बस ये और बात है कि हमारी हैसियत नहीं है, वरना मैं तो बहुत बढ़ के करना चाहती। सीमा जाओ जरा अच्छी सी चाय बना के लाओ। अच्छी बजे चले, हम भी चलते किचन। हमारे दादा कहते थे कि ये बावर्ची खाना नहीं बल्कि गीबत खाना है। किसकी चुगलियां करनी है तुमने वहां जा? वो तो बस इसी बात तो है। बहुत तेज हो गई है, एक मिनट में सब कुछ चुप करा देती है। राहिला, वैसे ये जो खसूसियत है ना तुम्हारी, सिर्फ इस बेटी में नहीं है, माशाल्लाह तुम्हारी सारी औलाद। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।